नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप सब पर देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीवनदायिनी मनोरमा नदी का अस्तित्व बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और मनोरमा नदी का अस्तित्व बचाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा सफाई भी की गई। मुख्यमंत्री ने जनता और अधिकारियों से अपील की मनोरमा नदी का अस्तित्व बचाए रखें, लेकिन वहीं बस्ती जिले में मनोरमा नदी अस्तित्व संकट में है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारी नदी का सफाई तो कर नहीं पा रहे हैं, उल्टा मनोरमा नदी में मुर्गा बकरा की मांस और मछली की गंदगी या नदी में फेंकवा रहे हैं। मनोरमा नदी का अस्तित्व खत्म करने पर लगे हैं। मैं जहां मनोरमा नदी के तट पर बना दिया गया है मछली मंडी, इस मछली मंडी बनने से मोहल्लावासी परेशान हैं। साथ ही जीवनदायिनी कही जाने वाली मनोरमा नदी का अस्तित्व खत्म करने पर लगे हैं। चंद पलों के लाभ के लिए उन्हीं के अधिकारी सूत्रों की माने तो अधिकृत रूप से बनी मछली मंडी से अवैध रूप से वसूली की जाती है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब भी मोटी होती है। तो आइए देखते हैं क्या है खास रिपोर्ट। अखना पखना आती भोड़ा या बकरी के खून खराबा है, यही बहाई देते हैं और सुबेरे कौआ काबत ले जा ले जाए, यही बगलिया घर पर काबत गिरावत हैं कुल आंगन बांगन में घर पर। कुछ नहीं, ये मन का नदियों में फेंक सकते हैं, छुट्टा है एकदम। कचरा यहाँ मार्केट बाजार उजार से उठाया जाता है, यहाँ सुबह बाहर देते हैं, केवल शाम को नहीं आते हैं उठाने या बहाने बाहर नहीं। टाउन एरिया द्वारा भैया कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यहाँ के चेयरमैन और जो टाउन एरिया के कर्मचारी लोग, इन लोगों द्वारा व्यवस्था की बात ही छोड़िए, कोई देखने तक नहीं आता है। ये सब यहीं गड्ढे में फेंक उठता है, गड्ढे में फेंक उठता है। मछली मंडी जो बना हुआ उसमें आप लोगों को नहीं रहने दिया जाता? नहीं, उसमें भी कोई व्यवस्था, कुछ टाउन एरिया से कोई आया ही नहीं सूचना। वो बहुत दूर भी है भैया और बिल्कुल अंदर है। नहीं बना हुआ है तो आप लोगों को नहीं कहा गया आप लोग मछली वहाँ? नहीं, अभी कोई।